खा लो। तभी बोल बोल पकाने आए हम। तो गाइस इस पे हम नाम लिखवा रहे हैं। अभी संध्या हो गई है ना, अब और ज्यादा भीड़ बढ़ गया है। हाँ, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से भीड़ बढ़ गया है। सो गाइस देख सकते हैं ये शाम का नजारा है हरिद्वार का। ये हम गंगा किनारे बैठे हैं, मेरी वाइफ बात कर रही है मेरी माँ से। ये भोलेनाथ देख सकते हैं, इतना ज्यादा पानी है ना। पंडित जी से हमने आरती भी करा ली, अभी शाम की आरती भी इनसे ले ली। देखता हूँ कष्ट का। सो अभी हमने यहाँ से धरती के लिए टॉल भी ले लिया है। भैया कैसे दिया ये समोसा? समोसा कैसे दिया? 15 का एक समोसा और कचौड़ी। सब्जी भी डलेगी? सब्जी होगी ना साथ में, कचौड़ी के साथ सब्जी। अबे एक 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 ले, मैं तो नहीं खाऊंगा। ब्रेड पकौड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे ना। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम हो गई है, शाम नहीं रात ही हो गई है। अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग अपने होटल रूम में हैं। तो हम लोग वैष्णो देवी तो पहुंच गए हैं, मतलब जम्मू पहुंच गए हैं। वैष्णो देवी के दर्शन अभी हुए नहीं है, हम लोग रात को निकलेंगे। और कल सुबह, अभी रात को हम 10:30 के करीब निकलेंगे और कल सुबह हम सुबह तक, मतलब सारी रात हम चलते जाएंगे तो सुबह तक हम लोग वैष्णो धाम पहुंच जाएंगे दर्शन के लिए। तो काफ़ी थक गए हैं, शक्ल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। रूम तो जैसे तैसे एक मिल गया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कुछ हमारे रूम का नज़ारा। ज़्यादा बड़ा रूम तो है नहीं, छोटा सा ही रूम है। और हस्बैंड मेरे लेटे हुए हैं कल रात से, ये अभी सोए नहीं है। रात भर इनको बस में नींद नहीं आती है और अभी भी दिन में भी ये नहीं सोए हैं। दिन में हम 3 बजे दोपहर के पहुँचे हैं तो तब से भी ये सोए नहीं है, क्योंकि इनको दिन में भी नींद नहीं आती है। उसके बाद 5 बजे इनकी ऑनलाइन क्लास थी, तो 5 से 6 बजे तक इन्होंने अपनी क्लास ली, 6:30 बजे तक अपनी क्लास ली। और उसके बाद भी अभी भी देखिए सो तो रहे नहीं है, ये देखिए। तो मज़ा आ रहा है, हैं? तो ये बहुत थक गए हैं और इनकी सारी थकान का जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब मेरे पे ही निकल रहा है। इनका गुस्सा, इनको कुछ बोलो तो जल्दी से गुस्सा आ जा रहा है। इनसे तो बात करने का भी मन नहीं हो रहा है, क्या करें। और यही है छोटा सा, बस यही हमें रूम मिला है, एक बेड है और इधर ये वॉशरूम है, बस यही है हमारा रूम। तो जैसा भी रूम मिला है ठीक है, 2 जने हैं। बाकी के रूम जो है ना, उसमें ना 4-4, 5-5 लोग एक एक रूम में शिफ्ट हुए हैं, पूरा ग्रुप बना के। तो हम लोगों को, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों को अपना ही सेपरेट एक रूम मिल गया हमारे साथ, और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो ये अच्छी बात है, नहीं तो और भी होते ना साथ में लोग ग्रुप में, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता ना, अच्छा भी नहीं लगता है, बट एडजस्ट करना पड़ता, पर हमें नहीं पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी 8:30 बज रहे हैं तो जाएंगे कुछ खाने के लिए अभी। और गाइस यहाँ पे ना सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है ना, कि कुछ खाने का तो मन करता है, पर वो प्राइस देख के फिर मन नहीं भी करता है खाने का, तो इतना ज़्यादा सब कुछ महंगा हो रहा है। तो और हस्बैंड तो मेरे बहुत कंजूस हैं, क्या कर सकते हैं। और अभी जाएंगे खाने के लिए, फिर उसके बाद 10:30 बजे हम निकलेंगे यहाँ से वैष्णो देवी के धाम के लिए।
तो रात में तो पता नहीं लाइटें वगैरह होंगी, अगर रास्ते में जलेंगी तो ऑब्वियसली वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी, अंधेरे में तो वीडियो बनेगा नहीं। पर जैसा भी है कोशिश करूंगी आप लोगों को भी हमारे साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए साथ में ले जाने के लिए। और देख सकते हैं आप पिंपल मेरे बस में बैठे बैठे और निकल गए हैं, और उसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, सारे पिंपल पता नहीं मेरे यहाँ सर माथे पे ही क्यों निकलता है, समझ में नहीं आता है, बड़ा दिमाग ख़राब होता है इनको देख के। तो बने रहिएगा आप सब लोग ब्लॉग पे। तो चलिए कुछ खा के आते हैं, अभी 9 बज चुके हैं और हमें 10:30 बजे निकलना है। तो अब जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है, मिलेगा तो वही, प्राइस भी बहुत हाई होने वाली है, बट भूख लग रही है और 2 दिन से ना पेट ठीक से भर भी नहीं रहा खाना खा के। तो चलते हैं अब कुछ खा के आते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं बॉडी में, क्योंकि सारी रात भर हमें चलना है तो इसलिए घर बॉडी में एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं कुछ अच्छा सा खाते हैं, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। सो गाइस हम इस रेस्टो में आए हैं, दोपहर को भी आए थे, एक थाली हमने खाई थी तो सही खा था। अब आपने क्या ऑर्डर किया? वेज बिरयानी और क्या, एक थाली। हाँ यही खाते, अभी खाना वाना खा के फिर चलना है हमें माता के दर्शन करने। तो देख सकते हैं वेज बिरयानी हमारी रेडी है, तो ये बिरयानी कम और फ्राइड राइस ज़्यादा लग रही है मुझे, तो हस्बैंड बताएंगे भी टेस्ट करके कैसा है। ओके ओके टाइप, तो चावल अच्छे से पके नहीं है, मतलब ओके ओके टाइप है, अब क्या कर सकते, खाना तो पड़ेगा। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं हम,